मध्य प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी हो, लेकिन सियासी दलों में मिशन 2023 पर अभी से जोर लगना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आदिवासी वोटरों को साधने के लिए अब आदिवासी अंचलों का रुख कर लिया है। एमपी कांग्रेस 6 सितंबर को बड़वानी और आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। इस आयोजन के बहाने कांग्रेस बड़वानी और उससे लगे आधा दर्जन जिलों को कवर करने की कोशिश में है। वहीं बड़वानी के साथ धार, खरगोन, मैदनसोर और नीमच जिले में आदिवासियों को लेकर कांग्रेस बड़ा आयोजन करेगी। वहीं बता दे कि एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि 6 सितंबर को होने वाली आदिवासी अधिकार यात्रा में आदिवासी नेता शामिल होंगे। बीते दिनों नेमावर कांड और नीमच में आदिवासी युवक की मौत के मामले को लेकर सरकार की नीति रीति का विरोध होगा। वहीं नरेंद्र सलूजा के मुताबिक बड़वानी में आयोजन में बड़ी संख्या में आदिवासी जुटेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि कांग्रेस के बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि आदिवासी के हित में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है और आदिवासी कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। हालांकि कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए अभी से कवायद तेज कर दी है। वहीं AICC सचिव कुलदीप इंदौरा ने कहा है कि आदिवासी अधिकार समागम कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी उन्होंने शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश में कुल आदिवासी सीटों की संख्या 47 है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।